है, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम भैया दिल्ली से आ रहे हैं। क्या है, आपने उन लोग जो हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, हाँ, क्या है रीजन? रीजन भैया ये सबके लिए गलत है, कार मोटरसाइकिल गाड़ी सबको ही विरोध करना चाहिए और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। जो 10,000 रुपए की सैलरी ले रहा है वो 10-10 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा बताओ? क्या और लगता है यदि कोई दुर्घटना होती उस समय क्या स्थिति बनती है? स्थिति भैया दुर्घटना हो जाती है जानबूझ के, कोई नहीं करता, हो जाती है बाई चांस, पता नहीं वो छोटे व्हीकल की गलती है बड़े व्हीकल की गलती है। उसके बाद यदि वो कोई भी गलती होने के बाद आदमी वहां रुकता तो पब्लिक उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म कर सकती है, वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए उसको भागना पड़ेगा। क्या है अभी जाम की स्थिति? जाम की स्थिति जैसे कल आगरा में बंद था, हम 2 दिन से चले हुए हैं, अभी झांसी में बंद है और आगे हमारी गाड़ी आई है, अभी रिपोर्ट मिली है तो पूरी रात से देवरिया में बंद है, 30 किलोमीटर जाम लगा हुआ है फिलहाल मौजूद ऑन स्पॉट। अभी क्या है जो ललितपुर वाला क्षेत्र है, हाँ, इसमें अभी कोई इसमें कोई जाम की स्थिति नहीं है लेकिन आगे बंद है, देवरिया में बंद है, अभी आगे से गाड़ी आई है, पुलिस ने लाठी चार्ज करके वो खुलवाया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या असर देखा जा रहा है लोगों पर भी, इसका असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा भैया, कोई भी आदमी है, बाइक है, कार है, कोई नौकरी कर रहा है तो इतना मोटा जुर्माना और सजा भुग देगा तो वो बच्चे कैसे पालेगा, कैसे पालन पोषण करेगा? कितना समय लग रहा है आपको इस सफर तय करने में अभी? कहाँ से जाम लग जाता है? जाम तो जैसे हम यहाँ गाड़ी आती है हमारी दिल्ली से 12-13 घंटे में, यहाँ तक हमारे को 20-25 घंटे लग गए। क्या होना चाहिए कानून का भैया? ये कानून रद्द होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।